शायद शहीद को शुभ सलाम पेश करता हूँ। मेरे मोहतरम साथियों और स्टेज पर बैठे हुए हमारे साथी और सेक्रेटरी जनरल दत्ता जी, आप सब साथियों का शुक्रिया। मैं बात मुख्तसर रखता हूँ क्योंकि काफी टाइम से आप लोग बैठे हुए हैं, ऐसा ना हो कि आप लोग बोर हो जाए। क्योंकि मेरा ताल्लुक गुलिस्तान से है, गुलिस्तान जो है वो यानी आखिरी कोना है, फिर अफगानिस्तान शुरू होता है, बॉर्डर है। और यहाँ पर जब मैं आया हूँ, यहाँ पर भी वो सिंध का आखिरी इलाका है, उसके बाद फिर इंडिया शुरू होता है। ये पीटी का नाम पहले मैंने सुना ही नहीं, जब इधर आया तो तर पार्कर और ब्रिटिशर और यहाँ के मासूम और गरीब साथी वगैरह जब मैं देख रहा हूँ, मुझे गुलामाना दौर याद आता है। यानी गुलामाना दौर से पहले हम उसको कदीम इश्राकत कहते हैं, कारमा से पांच कवानी। सबसे पहला वो कदीम इश्राकत है कि उस कदीम इश्राकत में किसी की जहन में, किसी इंसान की जहन में कोई ज्यादा मतलब का तस्वर नहीं था। यानी सब कुछ जो थे वो मुश्तरक थे। जब जाति मुल्कियत का तस्वर पैदा होता है, एक जालिम बनता है तो दूसरा मजलूम बनता है। यानी इसको कहते हैं गुलामाना दौर। यानी ये दूसरा दौर, इस पर मैं मुख्तसर साहब से उसको आजाद करता हूँ। गुलामाना दौर में चूंकि एक तबका अखीर बना और दूसरा तबका गुलाम बना, और ये इस तरह की कि वो गुलाम ऐसे बैठे हुए थे। गुलाम उस वक्त भी मुजाहिमत करते थे उस जालिम के खिलाफ, उस हाकिम के खिलाफ, कि हम गुलाम नहीं है, हम भी आपकी तरह इंसान है, हमारी भी इसी तरह बुनियादी हकूक है, जिस तरह आप अपने लिए वो करते हैं, इसी तरह ये हमारे भी बुनियादी हक बनता है। और यही गुलाम बकायदा इन हकीमों के खिलाफ लड़ते रहे। आहिस्ता आहिस्ता गुलामों ने आजादी ले ली, और आजादी लेने के बाद फिर तेसरा दौर जो है जागीरदारा निजाम है। चूंकि पाकिस्तान में जागीरदारा निजाम भी मौजूद है, ऊपर से सरमायादारा निजाम है, ये कानून था तेसरा कानून यानी जागीरदारी। जागीरदारी के बाद फिर ये सरमायादारा निजाम, यानी सिंध में जब आप देखते हैं यहाँ पर बड़े बड़े जागीर है, बड़े बड़े वो दे रहे हैं और गरीबों के साथ जुल्म कर रहे हैं, जबर कर रहे हैं। चूंकि हम रंग नस्ल मजहब से बालातर होकर पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मैं 45 सालों से हम सारे इंसान को एक जैसे इंसान समझते हैं। हम इंसान इंसान दोस्त हो गए, बशर दोस्त हो गए। हम ये कहते हैं कि ये पाकिस्तान के जो 22 करोड़ आवाम है, पाकिस्तान की जितनी भी वसायल है ये 22 करोड़ आवाम में तकसीम होना चाहिए। लेकिन वो 10% लोग जिसमें बड़े बड़े जागीरदार, सरमायादार, खान, नवाब, वडेरे और उसके सर पर जो है वो रियासत के गुंडे, बाजवा, बपुरा, ये बैठे हुए हैं, उसमें खुलूस है। यानी पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक ये मुल्क लूटा जा रहा है, ये मुल्क लूटा जा रहा है। यानी 22 प्रोग्राम का इस्तेमाल हो रहा है। हमारे हुक्मरान मुसलसल पाकिस्तान बनने से लेकर आज तक IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जे लेते रहते हैं, और ये पैसे कुछ इजाफी जेबों में चले जाते हैं, और ये इस पैसों से दुबई में, हांगकांग में, सिंगापुर में, जापान में, बरतानिया और अमेरिका में कारोबार कर रहे हैं। ये पैसे बुनियादी तौर पर 22 करोड़ आवाम की है। ये तालीमी गाँव पे खर्च होना चाहिए, ये इंसानों पे खर्च होना चाहिए, ये रोगों पे खर्च होना चाहिए। लेकिन ये इस तरह यहाँ पर नहीं है। हमें इसके खिलाफ लड़ना होगा।
अगर जीना है तो आपने लड़ना भी होगा। जब आप लड़ेंगे तो जीएंगे, जब लड़ेंगे नहीं तो इस तरह आप जी नहीं पाएंगे। दो चौथा दो वो समाधान निजाम है, यानी जो साथी स्टेज पे बात कर रहे थे कि यहां से कोयला निकाल रहे कौन चेना और बकायदा जिसके साथ वो समाधान निजाम के असर भी है, रोड है वहां तक लेके गए हैं और यहाँ से कोयला लेके जाते हैं और इसे बिजली वगैरह भी पैदा होती है, वो अपनी मर्जी के मालिक है। और पांचवा दौर में वो सोशलिज्म है, सरमायदारी निजाम जब अपने पीक तक पहुंचता है, जिस तरह यूरोप में अमेरिके में है वहां जुमरेट नेचर रूल्स का है। जब सरमायदारी निजाम पीक तक पहुंचता है तो इसकी खोज से एंकला पैदा होता है। जब सरमायदारी निजाम मजीद नहीं छिड़ेगी तो उसकी खोज से एंकला पैदा होगा। यानी ये पांचवा यानी सोशलिज्म। सोशलिज्म क्या है? हम जो सोशलिज्म की बात करते हैं, सोशलिज्म बराबरी है, बशर दोस्ती है, तालीम रोजगार इलाज की गारंटी है। जिस तरह की जिस सरमायदारी निजाम है जो यहाँ के वो डेरे खान नवाब सरदार ये चौधरी नाना राजा महाराजा तक के लाओ जिसकी बच्चे जिसम में पढ़ते हैं, बरमान में पढ़ते हैं, अमेरिका में जाकर वहां पढ़ते हैं, बरतानिया में जाकर वहां पढ़ते हैं, वहां से वो करते हैं हमारे बाप बनते हैं। सोशलिज्म में बराबरी है, बशर दोस्ती है, तालीम और रोजगार की गारंटी है, यानी इंसान को इंसान की नजर से देखा जाता है। ये तो हमें ये नारे की केलू केले को समझते हैं। सिर्फ ये बड़े जागरदार और समाजदार जो है ना ये इंसान है। और दूसरी बात यह है, ये उन कवानी की बात मैं कर रहा हूं जो कारण मार्स उस वक्त ये क्यों भी दिया हुआ है और इसकी मुतबादल आज तक किसी ने पेश किया ही नहीं। यानी 1857 यानी आजादी की तहरीक में पंजाब में सिंध में पीटीपी में यानी थ्रोट पाकिस्तान में जिन जवानों ने आजादी की बात करती थी, आजादी लेना चाहती थी ना, ये उस वक्त के जो अंग्रेज थे या अंग्रेजी जो हिजल थे जो क्या अंग्रेज साबित हो चुका था, अंग्रेज के यहां पर हिजल थे। यानी मैं बात उनको का नाम दूंगा, चौधरी निसार उसका बाप दादा अंग्रेजों के हिजल थे, खुर्शीद कसूरी जो पीपल पार्टी का वजीर खारिजा रहा है उसके बाप दादा अंग्रेजों के हिजल थे। ये मेमूनी कुरेशी जो बकायदा पीर बना हुआ है, पीछे वगैरह करके पीर बना हुआ है, लोग आते हैं उसको आपकी बटोले शाहनवाज ये वहां पर उस वक्त जब सब कॉन्टिनेंट थे उस वक्त अंग्रेजों के एजेंट थे। यानी इतनी बड़े जागीरदार यहाँ पर रोटी कपड़ा क्या उसका नारा देकर वो अंबिका को कहता है कि आपने मैंने जो कुछ किया है आप क्या नाम है मैंने उसको ब्रेक लगाया सोशलिज्म को ब्रेक लगाया। यानी रोटी कपड़ा मकान का नारा देकर लोगों को बेवकूफ बनाया और सबसे मतलब सोशलिज्म को नुकसान मैंने पूछा है क्योंकि अंबिका उसकी बाधा थी। तो केंद्रीय का मकसद ये है कि आज इस पार्लियामेंट में चाहे पीपी वही आता है, मुस्लिम लीग भी आता है, इमरानी आता है, तो मुराद मुलाज जो भी आता है उसकी बाप दादा आज उसकी बूथे नवा से पार्लियामेंट में बैठे हुए। तो इसे आप क्या तो रखी है जब इसकी बाप दादा पर दादा एजेंट थे उसके आज बूथे नवा से बैठे हुए इस पार्लियामेंट में सेनेट में और ये बड़े बड़े जागीरदार बने हुए हैं। आपका ये परवेज यानी जो चीफ ऑफ स्टाफ 1600 अरब डॉलर पे एक जजीरा लिया हुआ है इंडोनेशिया में 1600 अरब डॉलर उसकी माँ के पैसे थे क्या? ये पाकिस्तानी आवाम के पैसे थे। एक की तो सफारा खाना ही बेच दिया और तुम्हारा मशरफ काम पर बैठा हुआ है, रायची काम पर बैठा हुआ है और
पाकिस्तान का चीफ ऑफ स्टाफ है वो आपकी तरफ से मुंतखब होता है, आपकी इख्तियार नहीं है। हाँ ये कह कहता है कि इसको रेजोल्यूशन देखो, हमने भाजपा को रेजोल्यूशन नहीं दिया। इधर हम बात करते हैं जमहूरियत, यहाँ जमहूरियत नहीं है, यहाँ पर गुंडागर्दी है, बदमाशी है, कतल वारदात है, बर्बरियत है, वहशत है। मैं यहाँ ये मासूम बच्चे यहाँ पर बैठे हुए, चूंकि मेरा ताल्लुक गुलिस्तान से है, फिर उस इलाके से, ठंडे इलाके से जो अफगानिस्तान के साथ ही टच है, हमारे ट्रैप उस तरफ भी है, इस तरफ भी। ये 40-45 साल से मसलसल 50-60 लाख अफवाह उठ चुके हैं मजहब के नाम पर, मजहब के नाम पर। अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मन, अरब शेख, पाकिस्तान के ईसाई, यानी सबके सब इसमें हुआ था। 50-60 लाख अफवाह उठ चुके हैं। ऐसे मासूम बच्चों को अभी अभी की बात कर रहा हूं, ऐसे मासूम बच्चों को बकायदा बाजार में फरोख्त किया जाता है, पैसे न होने की वजह से, रोटी न होने की वजह से। मसला क्या है? मसला ये है कि दुनिया दो भागों में तकसीम है, बुनियादी तौर पर दुनिया दो हिस्सों में तकसीम है। एक अमेरिका है, अमेरिकी के साथ इंडिया है, सऊदी है, अरब इमारात है, और दूसरी तरफ चाइना है, रूस है, तुर्की है और ईरान है। पाकिस्तान में वो तकलीफ करता रहता है, वहां से भी पैसे कमाने की कोशिश करता है, चाइना से भी कुछ लेने के चक्कर में है। ये दो कुतुब के दरमियान जो लड़ाई है ना, ये लड़ाई का मकसद जो है पाकिस्तान का सरजमीन है, अफगानों का सरजमीन है, बशमूल बलोच ये सारे सिलसिले हो गए थे। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि ये इंटरनेशनल लड़ाई है, वो बड़ी लड़ाई है, झूठी लड़ाई नहीं है, ये हमारे और आपका मुशरक लड़ाई है। और हमें एक जंग लड़ना होगा, एक जंग वो बशरकुन जंग होगा, या तो हम उनके इलाके होंगे। तो मैं सिर्फ ये कहूंगा कि हमें एक जंग लड़ना होगा, हमें मुशरक तौर पर जो मेरा कश है, जो मजदूर है, जो आर्मी कमेटी है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ पाकिस्तान, मुकम्मल तौर पर आप लोगों के साथ रहे, मरने के लिए भी तैयार रहे, इस सिस्टम जो सोशलिज्म के लिए हमें सब, यानी हमारी मुशरक लड़ाई हमें इकट्ठी लड़ना होता है, एक जंग लड़ना है। बार बार हम जगह नहीं लड़ी, एक जंग लड़ना है, वो कैसे बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया।